जय श्री कृष्ण। नई हवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। ऐसा होता है ना, कई बार कि त्योहारों में हम बहुत हैवी हैवी खाकर परेशान हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है आज कोई हैवी सब्जी बनाई जाए लेकिन पनीर नहीं खाना है। कभी कभी पनीर खाकर हम बोर हो जाते हैं, तो आज हम आपको ठेठ देसी शाही सब्जी का स्वाद चखाते हैं, जो खाने में तो बहुत टेस्टी है। और इसको आप फुलकी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ अपनी जुगलबंदी बना लेती है। अपनी सामग्री से मिलवाती हूँ, क्योंकि ये राजस्थान की स्पेशल सब्जी है। तो इसमें जो मेन मेन सामग्री जो काम में आने वाली है वो है कैर, काजू और किशमिश। साथ में ये हमारे पास एक बड़ी कटोरी दही। ये कैर इनको मैंने रात को ही ओवर सोक कर लिया था, और अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे इनको आप भिगोइए। अगर आपको टाइम है तो आप इसको छाछ में भिगोइए। तो छाछ में भिगोने से इनके अंदर एक अलग से ट्विस्ट टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है वो खाने में। छाछ में भिगोने के बाद आप इसको धो के और अच्छे से इसको एक बार गर्म पानी में उबालिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। मैंने इनको 10 से 15 मिनट उबाल दिया है। और ये है हमारे पास काजू और किशमिश। इनको मैंने आधा आधा कटोरी लिया था और पानी में सोख करके रखा है। किशमिश में देखिए पानी अभी भी है, मैंने किशमिश का पानी फेंका नहीं, क्योंकि किशमिश के पानी में किशमिश की मिठास आ गई है, तो ये हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। और काजू को मैंने पानी में से बाहर निकाल दिया है। और ये हमारे पास गाढ़ा दही है, ये सब्जी हम बनाएंगे घी में। दही के अंदर हम मसाले मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि मसालों में आता है लाल मिर्ची लगभग 1 से 1.5 टीस्पून, और साथ में आता है हरा धनिया 1 टीस्पून। एक्चुअल में मसाले हम इसलिए मिक्स करते हैं दही में, ताकि दही आप जैसे ही आप इसको छौंके तो ये दही फटे नहीं। वैसे दही फटता नहीं है अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए तो। मैं आपको इसके साथ साथ और टिप्स बताती रहूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, देखिए यहाँ पे हमने घी गरम करने के लिए चढ़ाया है, ये घी करीब 1.5 चम्मच है। 1 से 1.5 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, तो तड़कने देते थोड़ा सा। इसमें डाल देते हम अपने कैर, कैर उबालने के बाद जब हम छानते हैं फिर भी उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो इसको लगभग 1 मिनट हम चलाते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देते हैं ये दही जो हमने घोली है। दही डालने के बाद उसको रेगुलर चलाते रहेंगे। देखिए दही को उबाल आने लग गया है, अब हम इसको धीरे करके छोड़ सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट उबालेंगे ये, ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए और दही हमारा गाढ़ा हो जाए। फिर तो इसको हम ढक देते हैं और उबालने देते हैं। आइए देखते हैं, देखिए हमारी दही का पानी सूख गया है, दही थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इस समय हम डाल देते हैं काजू, और ये जो किशमिश है पानी के साथ इसको भी डाल देते हैं और 2 मिनट और उबालने देते हैं, ताकि किशमिश के साथ जो पानी गया है वो भी एडजस्ट हो जाए। इसमें हमने नमक नहीं मिलाया था, तो अब इसमें हम नमक मिला देते हैं। नमक आप टेस्ट के अनुसार मिलाएं, मैंने 1 छोटी चम्मच मिलाया है। दो मिनट इसको और उबलने देते हैं, क्योंकि हमने किशमिश डाली है पानी के साथ में, तो वो पानी एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। आइए, हमारी किशमिश बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है, इसके अंदर घुल मिल गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं, गैस को हमने बंद कर दिया है, और गरम मसाला डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर और अलग से इसको तो धनिए की भी जरूरत नहीं है। ये जो हमारी ठेठ मारवाड़ी सब्जियां होती है उनको ऊपर से किसी भी गार्निशिंग की जरूरत नहीं होती है। फिर भी आप इसको गार्निश करना चाहते हैं तो आप सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का ऊपर से लगा सकते हैं। वैसे इसमें घी पूरा भरपूर होता है, तो आप पहले भी डाल सकते हैं और ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं। तो इसको अभी हमने गरम मसाला डाल दिया, इसको ढक के रखना है करीब 5 से 7 मिनट, उसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं।
लीजिए तैयार है सब्जी गरम गरम। इसको गरम आप पतले फुलके के साथ दे सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है।